हाय एवरीवन, मैं हूं गणेश शिवकर और आप देख रहे हैं मेरा जीएस टीवी यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको बॉलीवुड से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी पर्सनल सुशांत सिंह राजपूत, श्रीदेवी, जया खान या दिव्या भारती से रिलेटेड कोई भी खबर हो, मैं आपको बिंदास बिना डरे सब कुछ सच सच बताऊंगा। आज इस वीडियो में आपको बात करूंगा मैं राम सेतु, थैंक गॉड और कंतारा के रिटेल रिपोर्ट की, क्योंकि जो लोग सैटरडे संडे बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बताते हैं वो सही नहीं होता है। एक मंडे का कलेक्शन और पूरा इसका कलेक्शन देखना पड़ता है, तभी जाके आपको पूरा ब्यौरा आप बता सकते हो वाकई में कलेक्शन की, और तब आपको बता सकते हो कि कितना प्रॉफिट होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि कलेक्शन जितना थिएटर में होगा उसी हिसाब से ओटीटी पे उस फिल्म की प्राइस डिसाइड की जाएगी। और म्यूजिक राइट्स वगैरह, तो उससे म्यूजिक अगर अच्छा होगा तो आपको समझ में आता है, तो वो एक अलग मैटर है, उसमें कुछ ज़्यादा रिकवरी नहीं होती। लेकिन सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म की प्राइस तभी डिसाइड हो जाती है जब वो थिएटर में कितना कलेक्शन करती है। तो उसी हिसाब से आपको मैं बताऊंगा क्या हाल हुआ राम सेतु का, क्या हुआ थैंक गॉड का, और क्या है साथ में हुआ कंतारा का हॉल। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस क्या क्या मिस्टेक्स थी पिक्चरों में या फिर वैसे। मंडे का अभी तक का कलेक्शन पूरा का पूरा हुआ है राम सेतु का 62%, मंडे आते ही डाउन हो गया। सैटरडे संडे तो चल जाता है, लोग पिक्चर देखते हैं, फैंस क्लब होता है अपने अपने आर्टिस्ट का, वो जाते ही है। आज मैं सारी खबर आपको माइकल जैक्सन के साथ में दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मैं कभी झूठ बोल ही नहीं सकता इस इंसान के सामने, कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइकल जैक्सन से जितना मैं प्यार करता हूँ शायद मैं अपने आप से भी नहीं करता। चलो आगे बढ़ता हूँ। थैंक गॉड और कंतारा दोनों का से मंडे आते ही 58% डाउन हो गया मार्केट। कैसे, अब ये आपको बताऊंगा पूरा डिटेल इसका कितना हुआ है। थैंक गॉड का अभी तक का रिकवरी हुआ है 31.25 करोड़ रुपए, बल्कि ये पिक्चर 65 करोड़ के ऊपर की बात है, और इसमें पैसे भी इसलिए कम है क्योंकि इंदर कुमार एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे पहले। अब साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि पिक्चर डाउन की हो रही है। इंदर कुमार आपको पता होगा, डायरेक्टर जिन्होंने दिल, बेटा, अनिल कपूर की बेटा पिक्चर, आमिर खान की दिल पिक्चर, ऐसी कई सारे पिक्चरें बनाई हैं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, कई सारे पहले फिल्में बनाई हैं जो हिट हुई इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने अभी एक रिसेंटली बनाई थी कुछ साल पहले, मतलब 6-7 साल पहले, सुपर नानी रेखा जी के साथ, लेकिन वो हिट नहीं हुई, तो उनको समझ में आ गया इंदर कुमार को कि आज की डेट में लोग इमोशन देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इमोशनल पिक्चर का हाल कुछ हो रहा है, उसका रीजन कुछ और है। पब्लिक आज की डेट में मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, इमोशन कदर नहीं करते। आज गोविंदा की जैसी करनी वैसी वरनी की पिक्चर अगर आई, बागबान भी आ गई, तो मुझे नहीं लगता मुश्किल है, क्योंकि पब्लिक को इमोशन नहीं चाहिए, पब्लिक को पता नहीं ओटीटी पे जो चल रहा है ना वो सब चाहिए, तो इसीलिए अलग ही हो गया है पब्लिक। और ऊपर से फिर इंदर कुमार ने सोचा कि मैं कॉमेडी बनाता हूँ, तो धमाल एक पिक्चर बनाई, फिर धमाल 2 बनाई, फिर धमाल 3 बनाई जो अजय देवगन, बहुत सारा स्टार कास्ट था उसमें, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, रितेश देशमुख, बहुत सारे लोग थे, महेश मांजरेकर उसमें विलन थे, तो ये जो पिक्चर बनाई उसमें गाना भी था पैसा और पैसा उसका रिमिक्स, तो ये पिक्चर हिट हो गई थी धमाल लास्ट में, तो क्योंकि ये पिक्चर उसमें था इतने सारे, तो उनको समझ में आ गया कि धमाल, धमाल 2 ये सब चल रहा है तो कॉमेडी ही बनाओ भैया, कॉमेडी ही चलेगी। थैंक गॉड के हिसाब से उन्होंने कॉमेडी ली, लेकिन कास्टिंग में सिद्धार्थ मल्होत्रा और अजय देवगन तो चलो ठीक लगेगा भी, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा और ये कास्टिंग भी चलो समझ गए, लेकिन वो पूरा का पूरा मैच शायद पब्लिक को इस समय नहीं जम पाया, क्योंकि आज की डेट में कॉमेडी इंदर कुमार अगर करे तो 4-5 स्टार कास्टिंग लेके ही करना चाहिए, संजय दत्त वगैरह इन सबको कॉमेडी कॉमेडी बनाओ, क्योंकि इंदर कुमार की बात कोई टालते भी नहीं है बहुत सारे लोग, और कॉमेडी कॉमेडी में वो जल्दी पिक्चर बना भी देते, जैसे डेविड धवन इंदर कुमार ये ऐसे डायरेक्टर है जिनसे स्टार को शूटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक बार खड़े हो जाते फटाफट निकल के शूटिंग कर देते और जल्दी खत्म कर देते, इस वजह से लोग काम भी करते हैं इनके साथ, लेकिन थैंक गॉड में ऐसा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। रही बात राम सेतु की, राम सेतु का नहीं वो मज़ा नहीं आया ना उसमें, हालांकि ये बात अलग है कि अक्षय कुमार बहुत अलग अलग तरीके से ट्राई कर रहे हैं आज की डेट में, कभी ये कभी वो कभी अलग अलग पिक्चर, रक्षाबंधन एक पिक्चर आई उसके बाद दूसरे बहुत ही अलग अलग पिक्चर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है। 58.60 करोड़ रुपये अभी तक का राम सेतु का बिजनेस है, लेकिन टोटल उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है 200 करोड़। अब ये अगर मैं लास्ट में कंतारा की बात करूँगा, कंतारा फिल्म हिंदी फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, लेकिन उसने अभी तक का कलेक्शन क्या है 233.97 करोड़, और ये कलेक्शन अच्छा माना जा रहा है, और कंतारा का वही सीन हो गया है जो क्रिएटिव फिल्म बनाओगे तो चलेगी, नहीं बनाओगे अच्छी कुछ भी मुंह उठा के बनाओगे तो नहीं चलेगी, यही इसमें हो रहा है। तो बॉलीवुड को सबसे बड़ा सजेशन ये है
कि स्टारकास्ट जो है, स्टारकास्ट के साथ साथ आप लोगों को कुछ न्यू कमर आर्टिस्ट को लेना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, डांस कोरियोग्राफी, एक्शन, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इन टैलेंटेड लोगों को लेना पड़ेगा, जो टेक्नीशियंस होते हैं इनके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। और ये बात मैंने ही नहीं, मुकेश खन्ना जी ने भी बोली, बहुत बड़े बड़े तुर्रम खा जो बहुत सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन लोगों ने बोला है। ये वाकई में सही बात है, इस टाइप की फिल्म बनाओ, नए लोगों को लो, और पुराना अगर कोई आदमी काम करना चाहता है तो भी, अगर वो सही इंसान है। बॉलीवुड में एक्चुअली बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन हो चुका है, लोगों की इमेज बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर सही करना चाहते हो टेक्नीशियन को स्ट्रांग करो, नए नए लोगों को लो और बनाओ, चले। वरना मेरे हिसाब से जो बात, मैं इस इंसान की बात नहीं मानता हूँ कभी भी, केआर के जो इंसान है कमल राशिद खान, क्योंकि वो बहुत ही घटिया आदमी था, क्योंकि उसने पहले सुशांत के बारे में बहुत बुरा बुरा बोला और बहुत परेशान किया। लेकिन एक बात उसने अभी फिलहाल कुछ दिन पहले सही बोली थी कि सुशांत का श्राप लग गया है बॉलीवुड को, जिस वजह से ये हो रहा है। तो इसी वजह से जैसा सुशांत, न्यू कमर्स लोगों को लेना चाहिए, न्यू कमर लोगों को टैलेंट काम देना चाहिए, और उस हिसाब से अगर आप करते हो तो शायद वो माफ़ कर दे और पिक्चरें चले। ऐसे ही इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलो इस वीडियो को।